नमस्कार। एडल्ट फिल्में यानी 18 साल से ऊपर देखने वाले, इनको पोर्न फिल्में भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इनको एक अलग तरह के नाम से भी बुलाया जाता है, ब्लू फिल्में। आपको पता है इनको ब्लू फिल्में क्यों कहा जाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे सामने भी आया। किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये जो एडल्ट फिल्में होती है इनको ब्लू फिल्में क्यों कहा जाता है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था और मैंने भी सोचा कि यार वाकई में इनको ब्लू फिल्म में क्यों कहा जाता है। फिल्में तो फिल्में होती है, रोमांटिक हो या फाइटिंग वाली हो या हॉरर हो या सस्पेंस वाली हो, फिल्में तो फिल्में होती है, लेकिन इनको स्पेशल तरह से ब्लू फिल्में क्यों कहा जाता है? देखिए इनको ब्लू फिल्म क्यों कहा जाता है, क्या इनमें कोई रंग का कनेक्शन है? इसमें क्या कोई ब्लू फिल्म ब्लू कलर मिलाया जाता है? आखिर क्या कारण है, देखते हैं। आइए, एडल्ट फिल्मों को ब्लू फिल्म क्यों कहा जाता है? अब देखिए, जब पहले पहले शुरुआत के दौर पर ये फिल्में बनी, तब की बात है कि आप शुरुआती दौर में एडल्ट फिल्में बनाना काफी मुश्किल काम था। शुरुआती जब कोई चीज को आप नई नई बनाते हो ना, और स्पेशली जब आप एडल्ट फिल्में बनाते हो, तब बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो आप कंटिन्यूटी में कोई काम करते हो तो वो फटाफट हो जाता है, जब शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे कोई काम कर रहे हो तो बड़ा टफ काम होता है, वो भी एडल्ट फिल्म बनाना, तो उस वक्त भी डायरेक्टर के लिए बहुत टफ काम होता था। सबसे पहले तो बजट बहुत कम होता था इनमें, कोई बजट कोई डायरेक्टर या कोई फाइनेंशियर इसमें बजट नहीं लगाता था, इन फिल्मों का बजट बहुत कम होता था। लो कॉस्ट होने के कारण इन फिल्मों को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया जाता था, इन फिल्मों को कोई रंगीन फिल्में नहीं बनाया जाता था। इनका बजट कम होता था, लो कॉस्ट वाली फिल्में होती थी, इसीलिए इनको ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया जाता था। इसके बाद इसको बेहतर बनाने के लिए और रंगीन दिखाने के लिए इसमें नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए आप, लो कॉस्ट बजट फिल्में थी, ब्लैक एंड व्हाइट में बनती थी। जब बनने के बाद में जब इनकी प्रोसेसिंग होती थी ना, तो डायरेक्टर सोचते इनको कुछ बेहतर बनाया जाए, तो बेहतर बनाया जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, तो डायरेक्टर क्या करता था, उसमें नीले रंग का इस्तेमाल करता था। नीला रंग ज़्यादा ही शो कर देता उस फिल्म में, तो वो फिल्म फिर पूरी जब देखने वाले देखते थे तो ब्लू टाइप दिखती थी, हर जगह नीले ही नीला रंग दिखता था। देखिए आप, नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था, इसे देखने पर सब कुछ नीला दिखता था। जब वो फिल्में देखते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट पोर्न फिल्में एडिट फिल्में, तो सब कुछ उस फिल्म में नीला नीला ही दिखता था, इसीलिए देखने वाले लोगों ने इन्हें ब्लू फिल्म का नाम दे दिया। ब्लैक एंड व्हाइट को जब नीले रंग में दर्शाया जाता था, फिर लोग उसे देखने जाते थे, तो वो फिल्म उनको नीला रंग ही दिखता था, इसीलिए देखने वालों ने जो लोग थे उन्होंने इसको ब्लू फिल्म नाम दे दिया, तभी से इन फिल्मों को ब्लू फिल्म कहा गया। एक दूसरी थ्योरी और है, वो भी देखिए। दुनिया की पहली एडल्ट फिल्म का नाम था ब्लू मूवी। दुनिया की पहली अगर एडल्ट मूवी का नाम अगर अपन देखें तो ब्लू मूवी। इस फिल्म के हर सीन को नीले रंग में दर्शाया गया। अब इसी में भी वही बात आ गई, ब्लू मूवी क्यों? क्योंकि इसमें भी हर सीन को नीले रंग में दर्शाया गया, इसीलिए ब्लू मूवी कहा गया। तो एडल्ट फिल्मों को ब्लू मूवी कहने का रीजन सबसे बड़ा यही था कि लो कॉस्ट मूवी होती थी और कलर में इसको शूट नहीं किया जाता था। फिर इसको शूट होने के बाद में इसको बेहतर बनाने के लिए उसके हर सीन को नीले रंग में दर्शाया जाता था, इसलिए देखने वालों ने नीले रंग होने की वजह से इनको ब्लू मूवी नाम दे दिया। यही कारण है कि एडल्ट फिल्मों को पोर्न फिल्में एडल्ट फिल्में और ब्लू फिल्म भी कहा जाता है। इसी के साथ यहीं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉलेज के संबंधित टॉपिक देखते रहिए मेरे साथ में।